हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार, मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो ला रहा हूँ वो क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड है। क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस वीडियो का आज इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे के वीडियो में सारा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चले आते हैं। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा। इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती हो, है ना? जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना, इसी कारण से। सेम वे अगर नॉट फॉर लगा हुआ है, इसका मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती हो। इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे हम लोग, क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल, इटीसी, ये सब इसका एग्जाम्पल है। देखिएगा, नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तीन स्टेटमेंट तैयार होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है फर्स्ट नंबर हुआ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तीन स्टेटमेंट तैयार होता है जिसमें से दो अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होता है, ठीक है? तो तीन तरह का। एट फर्स्ट हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। रिसीव पेमेंट अकाउंट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिसीव पेमेंट अकाउंट को हम लोग हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यह जो अकाउंट है रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अलेवेंथ में जो फर्स्ट हम लोग जब पढ़ने जाते हैं अलेवेंथ में जब पढ़ते हैं तो जनरल एंट्री में पढ़ते हैं। जनरल एंट्री में आप लोग पढ़े होंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में आप लोग देखे होंगे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, है ना? तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वहीं से ये सब लिया गया। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, है ना? व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो वही मीनिंग यहाँ पे देता है। तो जैसे ही हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्यों देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको और डिटेल देंगे इसका हम लोग। फॉर्मेट देख रहे हैं हम लोग पहले इसको। फॉर्मेट में इसका देखिएगा, डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है, यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में पेमेंट होगा, यहाँ पे अमाउंट। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ठीक है? इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट, रिसीव पेमेंट। अब देखिएगा, इसमें डेबिट क्रेडिट होता है, रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट डेबिट साइड क्यों हुआ कोई पूछेगा, तो बोलिएगा क्योंकि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट इक्वल टू व्हाट्स कम्स इन, रिसिप्ट का मतलब ही होता है व्हाट्स कम्स। तो कम्स हो रहा है इसलिए रिसिप्ट में डेबिट में लिखेंगे, और पेमेंट व्हाट गोज आउट, गोज मतलब जाना, तो क्रेडिट पेमेंट करते हैं मतलब जा रहा है पैसा, तो क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है? इसीलिए रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिसीप पेमेंट अकाउंट को समरी ऑफ कैश बुक कहा जाता है। समरी ऑफ कैश बुक डेट मीन्स रोकर बही का सारांश। रोकर बही का सारांश रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट को क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिसीव पेमेंट अकाउंट में सारा जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन जो होता है, वह कैश के रूप में होता है। कैश से सारा लेन देन होता है। कैश का लेन देन चाहे वह पास्ट ईयर से हो, फ्यूचर से हो, डजेंट मैटर। आपको अगर प्रेजेंट में पैसा प्राप्त हो रहा है, कैश के रूप में पैसा आ रहा है, तो आप उस पैसे को, उस रुपीज़ को इस अकाउंट में लिखिएगा। पास्ट, या आप बोल सकते हैं मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या एडवांस हो गया, कुछ भी है उसे डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं है।
बस आपको कैश अगर आ रहा है परचेंट टाइम, आप उसको रिसीव पेमेंट अकाउंट में लिखिएगा, इसीलिए इसे समरी ऑफ कैश बुक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं रिसीव पेमेंट अकाउंट में उसका फॉर्मेट में कौन कौन सा आइटम आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ब्राउट डाउन। उसके अंतर्गत हम लोग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये टू बैलेंस बीडी का मतलब यह होता है जो मेरा पहले से पैसा है, जो मेरे पास पहले से संस्था के पास पैसा है उसी को टू बैलेंस बीडी मतलब ब्राउट डाउन बोला जाता है। तो कैश इन हैंड हैंड में पैसा है और कैश एट बैंक डेट मीन्स बैंक में पैसा, कुछ पैसा जो पहले से बच जाता है संस्था में उस पैसा को सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद डेबिट साइड में आता है फिर रेवेन्यू रिसिप्ट और उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोग बोलते हैं आयगत प्राप्ति और कैपिटल रिसिप्ट्स को पूंजीगत प्राप्ति। रिसिप्ट जो होते हैं या सॉरी हाँ रिसिप्ट बोल सकते हैं या आइटम, आइटम दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है जो एक साल के दरमियान में बार बार प्राप्त होता हो या भुगतान होता हो, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट भी होता है तो रेवेन्यू पेमेंट भी होता है। यहाँ पे बाय साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय रेवेन्यू पेमेंट, और बाय कैपिटल पेमेंट मतलब यह हुआ, रेवेन्यू का मतलब यह हुआ, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग क्या, आयगत बोलते हैं, आयगत प्राप्ति भी हो सकता है, आयगत भुगतान भी हो सकता है, आयगत रिसिप्ट डेट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू पेमेंट दोनों हो सकता है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है एक वर्ष के दौरान जो बार बार हमको प्राप्त होता हो या पेड करते हो या पेमेंट करते हो उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंतर्गत बहुत सारा आइटम होता है जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट में अलग आता है, रेवेन्यू पेमेंट में अलग आता है। वो आपको हम चार्ट एक भेजेंगे, चार्ट आपको दिखाएंगे, वो चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सा आइटम आता है, रेवेन्यू पेमेंट में कौन कौन सा आइटम आता है। जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे सब्सक्रिप्शन आता है, रेवेन्यू पेमेंट में जैसे सैलरी आता है, रेंट आता है, वेजेज आता है, अदर एक्सपेंस, कैरेज है ना, ये सब आता है। आपको उसका हम चार्ट दिखाएंगे, वो आपको याद करना होगा अच्छे से बारीकी से। अब आते हैं कैपिटल आइटम, कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत। देखिए ऐसे भी आपको ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा, पूंजीगत, पूंजीगत का मतलब होता है जहां पे बहुत सारा पैसा हो। डेट मीन्स बहुत सारा पैसा कब आता है, एक वर्ष में ज्यादा टाइम नहीं आता, एक वर्ष में एक ही बार आता है। जैसे आपको हम यहां पे एक डिफाइन करते हैं डोनेशन को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, ये डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल डोनेशन एक स्पेशल डोनेशन। जनरल का मतलब क्या हुआ, जो सभी कोई दे सकते हैं पैसा उतना, 500, 1000, 2000, 5000 इस टाइप से है ना, जनरल डोनेशन। तो ये जनरल डोनेशन जो है वह रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है क्योंकि बार बार प्राप्त होता है। लेकिन स्पेशल डोनेशन कोई स्पेशल आदमी कोई ज्यादा अमाउंट अगर देता है तो वह स्पेशल हो जाता है, डेट मीन्स वो कैपिटल। तो सब आदमी तो स्पेशल डोनेशन में नहीं आते हैं ना, इसलिए वो स्पेशल डोनेशन हो गया। क्लियर है? तो उसके बाद फिर हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट में ये दो टाइप का नेचर आता है, ये दो टाइप का आइटम आता है, सॉरी आइटम में जो आपको ये होगा जितना भी आइटम आता है उसको हम लिखवाएंगे, एक एक करके आपको याद करवाएंगे अच्छे से। उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं हम लोग बाय बैलेंस सीडी कैरेज डाउन, यहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मतलब यह हुआ कि डेबिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, क्रेडिट कम होगा तो ये जो बैलेंस आएगा, जैसे मान लेते यहां पे 100 हुआ और यहां पे 80 हुआ तो ये 20 क्या हुआ, मान लेते ये बैलेंस हुआ, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंट था, फर्स्ट अकाउंट रिसीव पेमेंट अकाउंट, सेकेंड जो अकाउंट था हम लोगों का
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आय व्यय खाता। आय एवं व्यय खाता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीव पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है, मतलब इसी के आधार पर, रिसीव पेमेंट अकाउंट के आधार पर ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। मतलब इसका जब इसके आधार पर बनाया जाता है, इसका मतलब यहीं से इसका इंफॉर्मेशन वहां जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहीं से इसका आइटम यहां से ही कन्वर्ट वहां होता है। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, एट फर्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को पहचानिए पहले आप लोग। यह एक नॉमिनल अकाउंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बात आई है। रोकड़ बही का सारांश जो बोला जाता है किस अकाउंट को बताया, तो रिसीव पेमेंट अकाउंट। ये सब आपको याद करना होगा, अच्छे से बारीकी से समझना होगा सबको। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। हम आप लोगों को 11th में पढ़ाए थे, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इक्वल टू डेबिट इक्वल टू एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट इक्वल टू इनकम और गेन। तो यहाँ पे जो इसका मतलब प्रूव हो रहा है, डेबिट इक्वल टू एक्सपेंस, डेट मीन्स एक्सपेंडिचर डेबिट में लिखेंगे और इनकम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकम, ये तो क्लियर हो चुका है। जैसे इसमें ये रोकड़ बही का सारांश था, इसमें कैश से रिलेटेड सारा काम होता था, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों काम होगा, जो कैश में होगा कैश में भी, जो क्रेडिट में होगा क्रेडिट, दोनों काम यहाँ पे होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, यहाँ पे इसको रेवेन्यू वाले आइटम का यहाँ पे यूज होता है, कैपिटल वाले का यूज यहाँ पे नहीं होता है। कैपिटल वाले का यूज कहाँ पे होगा, तो आप लोगों को जस्ट बताए थे फिनेंशियल स्टेटमेंट में दो अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में कैपिटल का काम होगा। यहाँ पे इनकम का काम, ये सॉरी रेवेन्यू का काम होगा। तो रेवेन्यू यहाँ पे इस साइड में आ जाता है इनकम, मतलब ये रिसिप्ट जो है उसको इनकम साइड में जाके लिख दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये रेवेन्यू पेमेंट जो था उसको यहाँ डेबिट में लिखे हैं। अपोजिट मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, देख रहे हैं ना, ये रिसिप्ट डेबिट में था तो यहाँ क्रेडिट में आ, क्योंकि एक्सपेंडिचर में ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बताता है डेबिट इक्वल टू एक्सपेंस और क्रेडिट इक्वल टू इनकम, इस कारण से। अब इसको देखिएगा, ये आइटम को आपको इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत जितना आइटम आता है, इसके अंतर्गत जितना आइटम आता है, कैपिटल नेचर का जितना आइटम होता है उसको समझेंगे। अभी हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, उसको देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम, डैट मीन्स डेफिसिट घटा हो जाएगा। तब मतलब अगर ये ज़्यादा होगा इससे, ये ज़्यादा है इससे अगर, तो डेफिसिट हो जाएगा, और इनकम ज़्यादा है अगर एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस हो जाएगा, डैट मीन्स अधिक, जिसको बोलते हैं। तो आपका दो अकाउंट तो अभी क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपका बचा एक बैलेंस शीट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसका आगे का जो भी बात होगा वो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट खींच करके आराम से कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग का जो टाइमिंग है, टाइमिंग हम बता देंगे किस टाइम में वीडियो आएगा। वीडियो का टाइमिंग होगा 1 घंटे का टाइमिंग होगा, उसी टाइम में आप देख सकते हैं, उसके बाद वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डेली आप लोग का जो टाइम है उसी टाइम में डेली वीडियो आएगा, डेली आप लोग देखते रहिएगा। डेट्स ऑल।